जो स्टूडेंट्स होते हैं भले ही वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो या फिर स्कूल स्टूडेंट्स हो उनके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया या फिर एक ब्लॉग का आइडिया आता है लेकिन वो उसे स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि जो वेब होस्टिंग और जो डोमेन वगैरह होता है उसका जो खर्चा है ठीक है वो काफी ज्यादा होता है ठीक है और इस वजह से कई सारे लोग जो पीछे हट जाते हैं क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि पांच हजार छह हजार दस हजार रुपए कोई बहुत बड़ी रकम है प्रॉब्लम यह है कि पांच दस हजार रुपए खर्च करने के बाद भी अगर सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा प्रॉब्लम्स अपने दिमाग से हटाना एक तो यह है कि ये जो सोच है कि सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा ठीक है कुछ ना कुछ इनपुट डालेंगे तभी कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा इस चीज को सबसे पहले दिमाग में रखना और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा फेल हो जाओगे ना इससे ज्यादा क्या होगा है ना बस इस चीज को दिमाग में रखो और आगे बढ़ो दूसरी चीज अगर कुछ सस्ता मिल जाए तो अच्छा है ना शुरुआत करने के लिए कुछ सही प्राइस में कोई होस्टिंग मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है तो इसीलिए यहां पर आपके सामने है सबसे बजट वेब होस्टिंग जहां पर आपको हर वो जरूरत की चीजें मिलेगी और आप अपना बिजनेस या फिर ब्लॉग जो है स्टार्ट कर सकते हो भले आप एक स्टूडेंट हो ठीक है बजट के बारे में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला है साल के मुश्किल से दो लगेंगे ठीक है या फिर अगर मान लो कि आप थोड़ा सा बड़ा प्लान लेते हो, तो साल के आप ये तो वैसा कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं तो डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप कर सकते हो फ्री मिल जाएगा। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो और उसके बाद आप मुझे उसका सेंड कर दोगे तो मैं आपको एक ब्लॉग थीम दूंगा और साथ में आपको एलिमेंटल प्रो लग भी बिल्कुल फ्री में दूंगा ठीक है और

रेसिप्ट कैसे भेजना है उसका ईमेल भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो उस वीडियो पे अगर आप उस ईमेल पे अगर आप मुझे मेल कर दोगे रेसिप्ट तो आपको ये दोनों प्लगइन्स और थीम्स वगैरह आपको फ्री में मिल जाएंगे ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस देखो ये है होस्टिंगर नाम तो सुना ही होगा ओके तो ही होगा, जैसे ही आप डिस्काउंट लिंक पे क्लिक करोगे तो आप पहुंचोगे इस पेज पे और आपको कौन सा प्लान लेना है क्या चीजें करनी है मैं आपको बताता हूँ देखो सबसे पहले जाना है यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग में क्योंकि गाइस देखो वेब होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग की प्राइस यहाँ पर बिल्कुल सेम है तो मैं तो कहूंगा कि आप वर्ड प्रोसोर्सिंग लो क्योंकि वर्ड प्रोसोर्सिंग ज्यादा पावरफुल होती है हर मामले में इसके मैंने बहुत सारे वीडियो बताया उसका यही है कि रिसोर्स होते हैं वो वर्ड प्रोसोर्सिंग में शेयर्ड नहीं होते हैं रैम एंट्री प्रोसेस ये सब चीजें होती है वो शेयर्ड नहीं होती इस वजह से वर्ड प्रोसोर्सिंग बहुत ज्यादा पावरफुल होती है ठीक है अब यहां पे अगर आप एक स्टूडेंट हैं ठीक है और आप सोच रहे हो कि एक कम अमाउंट में शुरू किया जाए बाद में आप स्केल अप कर लोगे तो गाइस ये वाला प्लान ले लो प्रीमियम वाला ठीक है वन फोर्टी रुपीज का प्लान है ले लो बिल्कुल दिमाग मत लगाओ इस प्लान को ले लो शुरू कर दो किसी भी चीज को आप शुरू कर दोगे ना तो ही आप उसका रिजल्ट देख पाओगे दिमाग में रखोगे और एक एक दो दो साल निकाल दोगे तो कभी भी उसका रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि आपने इनपुट दिया ही नहीं है इनपुट दो फिर आप वेट कर सकते हो रिजल्ट का जैसे होता है ना लॉटरी की टिकट लेते हैं तो ही लॉटरी लग सकती है ना अगर नहीं लेंगे तो गैस कभी भी नहीं लगेगी क्यों क्योंकि कोई तुक्का तो नहीं लगने वाला ना कि मतलब किसी और की लॉटरी टिकट गलती से आपके हाथ में आ जाए और वो ऐसा तो कुछ होता होता नहीं है ठीक है रियल लाइफ में नहीं होता पिक्चरों में होता होगा रियल लाइफ में नहीं होता तो यहाँ पे क्या है कि आपको इनपुट देना पड़ेगा और अगर इनपुट देना चाहते हो और अगर माइंड में कुछ भी डाउट है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर आप अपने बिजनेस में या फिर ब्लॉगिंग में आप जो है टाइम नहीं दे पाओगे ऐसा तो कुछ भी अगर आपको लगता है तो सस्ता वाला प्लान लो कि इन केस अगर आप कभी कभी एक एक हफ्ते तक भी अगर काम नहीं कर पाए तो आपका अगर कहीं गलती से कहीं लॉस हो भी गया वन फोर्टी नाइन रुपीज का होगा ठीक है उससे ज्यादा नहीं होगा तो ये चीज हमेशा अपना एक माइंडसेट रखो कि ठीक है शुरू में सस्ता लेंगे कोई बात नहीं लेकिन बाद में हम स्केलअप कर लेंगे ठीक है बाद में बिजनेस ले लेंगे क्लाउड ले लेंगे जैसे जैसे ग्रोथ होती रहेगी वैसे वैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप होस्टिंग लेते हो और अपना ब्लॉग या कुछ भी स्टार्ट करते हो खास करके ब्लॉग अगर स्टार्ट करते हो तो मिनिमम दिन के 15 से 20 मिनट उस ब्लॉग के लिए जरूर देना कुछ भी करना उस ब्लॉक पे आर्टिकल लिखना हो तो लिखना नहीं हो तो मत लिखना लेकिन कहीं ना कहीं उसको शेयर करो कुछ ना कुछ बैकलिंग बनाने के बैकलिंग तो बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, है ना आर्टिकल लिखोगे तो बहुत सारी प्लानिंग वगैरह लगती है लेकिन बैकलिंग बनाने में तो टाइम नहीं लगता तो कई वो करो है ना जब ज्यादा टाइम मिले तो आर्टिकल्स लिखो जब ज्यादा टाइम नहीं मिलता तो उस बने बनाए आर्टिकल्स के लिए बैकलिंग्स बनाओ दो तो चीज कर सकते हो तो इतना तो डेली करने की कोशिश करना इन केस अगर नहीं होता है तो किसी अगले दिन थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेना तो वो सब चीजें आप बैलेंस कर लेना अपने हिसाब से तो अभी इस प्लान में मिलता क्या है देखो सो वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो यानी कि अगर आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हो एक ब्लॉग बना लो दूसरा वेबसाइट पे आप एक ई कॉमर्स साइट बना लो या फिर कोई भी अपना बिजनेस वेबसाइट बना लो जिस तरीके आपको स्टार्ट करना है ठीक है और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है हंड्रेड जी का एस स्टोरेज है अगर आप स्टूडेंट्स हैं आप दो जने मिल कुछ करना चाहते हो मतलब आप एक ब्लॉग लोगे आपका फ्रेंड एक ई कॉमर्स बना देगा तो दोनों यहाँ पे होस्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट सौ सौ जने होस्ट कर सकते हैं है ना तो दो जने मिल कर लो तीन जने मिल कर लो कोई इश्यू नहीं है ठीक है और वीकली बैकअप मिल जाता है फ्री ईमेल मिल, मिल जाता है अनलिमिटेड फेसेस मिलता है अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है अनलिमिटेड बैंडविड्थ जितना चाहे उतना ट्रैफिक हैंडल कर सकते हैं ठीक है तो ट्रैफिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी तो अगर आपका फ्रेंड और आप दोनों मिलकर अगर स्टार्ट करते हो तो उस केस में भी अगर आपके ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो उसका कोई नुकसान नहीं है उसके ज्यादा ट्रैफिक है तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि अनलिमिटेड बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे ठीक है फ्री डोमेन मिल जाता है एक फ्री डोमेन मिलता है दूसरा आपको लेना पड़ेगा ठीक तो तो है तो यह चीज तो रहेगी और सीडीएन आपको इस प्लान में मिलेगा कोई बात नहीं अभी कोई बात नहीं देखो ऐसा नहीं है कि सीडीएन नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं होस्टिंग कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है सीडीएन देना देखो ये पहली बात है समझने की बात है आजकल लोगों को ऐसा लगने लग गया होस्टिंग कंपनी को सीडीएन देना ही चाहिए नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है लेकिन अगर मिल रहा है सीडीएन तो आपकी वेबसाइट की स्पीड पच्चीस गुना बढ़ जाएगी ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है सीडीएन में पावर तो बहुत है लेकिन सीडीएन देना होस्टिंग कंपनी का काम नहीं है अगर कोई कंपनी सीडीएन नहीं दे रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी खराब है है ना अगर कोई कंपनी दे रही है तो मतलब ये कि हाँ एक एडिशनल पॉइंट आपको मिल जाता है कि ओके हम यहाँ से होस्टिंग लेंगे तो हमें पच्चीस गुना ज्यादा स्पीड देखने को मिलेगी ठीक है तो वो फैक्टर है यहाँ पे तो यहाँ पर जो है आपको सारी जरूरत की चीजें मिल जाती है ठीक तो है अभी इस वाले प्लान में फ्री एमेजोन अफिलियट वर्ड प्लस प्लग इन ये एक एक्स्ट्रा प्लगिन यहां पे जोड़ दिया गया इस वाले प्लान में ये जो दूसरा प्लान है यहाँ पे बिजनेस वाला इसमें देखिए एक्स्ट्रा फीचर जो है जोड़ दिया गया बाकी अगर आप देखोगे तो बाकी सारी चीजें बिल्कुल पहले जैसी ही है कोई डिफरेंस नहीं है बस ये एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ी गई हाँ डेफिनेटली जब कोई जिनको अफिलियट करना है एफिलियट मार्केटिंग करनी है तो उनको एक अमेजोन अफिलियेट का प्रीमियम प्लगिन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा ठीक है और यहाँ पर आपको बर्ड पर्स टूल्स भी मिलते हैं जो कि आपको यहाँ पर नहीं मिलता है ठीक है बाकी सारी चीजें इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बस ये बर्फ बस एआई टूल्स और ये वाला अगर मिल जाता है, सब सस्ते वाले प्लान में तो बढ़िया रहता कोई कोई बात नहीं नहीं है है ठीक एक बार आप शुरू कर कर लोगे ना उसके बाद आपको जैसे जैसे लगेगा कि ग्रोथ हो रही है तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हो जब अपग्रेड करोगे तो आपको पूरा अमाउंट नहीं देना पड़ेगा जितना आपने ऑलरेडी दे रखा है उसको माइनस करके जो अमाउंट बनता है वो देके आपको अपग्रेड करना है ठीक है तो कोई इश्यू नहीं है तो गाइज ये वाला जो प्लान है मेरे हिसाब से बिगनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया प्लान है क्योंकि एक शुरुआत जरूरी है है ना आप हर चीज को सेटअप करके एक शुरुआत करोगे ये सोचोगे तो गाइज बहुत टाइम लग जाएगा आपको लगेगा कि ठीक है मैं अपनी पूरी कंपनी खड़ी करूंगा एम्प्लॉयज बिठाऊंगा उसके बाद होस्टिंग हुआ गाइज ये तो ये तो होने से रहा देखो है ना हमेशा पॉसिबल नहीं होता सबके लिए पॉसिबल नहीं होता अगर किसी का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है तो डेफिनेटली वो ये चीज कर सकते हैं लेकिन अगर किसी को ऐसा लगना है कि मुझे अपना बैकग्राउंड स्ट्रांग बनाना है तो गैज आपको खुद को शुरू करना पड़ेगा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा अपने माइंड में कि मैं पढ़ाई भी करूंगा और उसके साथ में मैं ये काम भी करूंगा ठीक है अगर मैं जॉब करता हूं तो मैं जॉब भी करूंगा मैं ये भी करूंगा साथ में और एक दिन अपने आप को जॉब से आजाद करूंगा और अपनी खुद की कंपनी खड़ी करूंगा और फिर मैं खुद एम्प्लॉयमेंट दूंगा है ना तो ये चीज जो है इस माइंड के साथ काम करो सक्सेसफुल हो जाओगे लेकिन शुरुआत करो किसी भी चीज के लिए शुरुआत करना बहुत जरूरी है गाइस क्योंकि देखो आज के रेट में कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है है ना और जितना आप लेट करोगे कॉम्पिटिशन और भी बढ़ता जाएगा है ना आज जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे इस वीडियो का पब्लिश होने के बाद एक दो जने जो है शुरू कर देंगे ठीक है आज की आज अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर दस बीस जने शुरू कर देंगे है ना तो इस दस बीस जनों के लिस्ट में आप लास्ट में बताओ पहले में आ जाओ है ना तो ये चीज तो आप इन दस बीस जनों से आगे रहोगे क्योंकि आपने पहले स्टार्ट किया पहले स्टार्ट करने का बेनिफिट तो हमेशा मिलता है ये चीज तो आपको मान के चलो पहले अगर आप स्टार्ट करोगे तो उसका फायदा तो आपको जरूर मिलेगा फिर आगे आप कैसे काम करते हो उस पर डिपेंड करती बहुत सारी चीजें लेकिन शुरू करना बहुत बड़ी बात है तो अब इसको शुरू कर सकते हो तो अब क्या है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिगनर हो तो प्रीमियम प्लान लो और इसको चार साल के ले लो क्योंकि चार साल में ज्यादा सस्ता पड़ता है ठीक है चार साल के ले लो और भूल जाओ इस चीज को ठीक है बस काम करने में फोकस करो आपको ना तो रिन्यू की टेंशन लेनी है कुछ नहीं करना है ठीक है आपको जो जरूरत की चीजें हैं जैसे कि एलिमेंट्री प्रॉप लगिन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको फ्री को फ्री में देने वाला हूँ अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो तो और इसके अलावा अगर आप ब्लॉगिंग करने के लिए कोई प्रीमियम थीम चाहिए वो भी दूंगा मैं ठीक है आपको बस वो हमारे लिंक से परचेज करके रिसिप्ट मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ई मेल पे देना है आपको होस्टिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है अगर आपको होस्टिंग नहीं चाहिए ट्र प्रॉप लग इन वगैरह चाहिए तो एलिमेंटर प्रॉप लग इन का भी दूसरा एक लिंक है एसआर मैरान क्लब करके ऐसे एक लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उस पर क्लिक कर सकते हो और उस पर जाके आप एलिमेंटर प्रॉप लगिन को लाइफ टाइम के लिए ले सकते हो सिर्फ कुछ सात सौ आठ सौ रुपए के लिए और अनलिमिटेड वेबसाइट में आप यूज भी कर सकते हो उसको ठीक है तो वो भी आप कर सकते हो तो वो भी चाहो तो आप ऑन्ट्री करके भी कर सकते हो कोई इश्यू नहीं है ना क्योंकि जितना चाहे उतने लोग यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में एलिमेंटर प्रॉप लगिन तो वो भी आप कर सकते हो ठीक है गाइस तो सभी ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं ठीक है थीके? अब आपको एक्शन लेना है ठीक है वो चीज आप करो और आप जो है अपना बिजनेस या फिर ब्लॉग सेटअप कर सकते हो इस hey तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है इसके अलावा भी और भी होस्टिंग कंपनीज है लेकिन बस ये है कि सबसे अफोर्डेबल जो होस्टिंग आपको मिलती है ना वो आपको यहां से मिलती है और ये वाला प्लान भी मिलता है आपको तो आप इसके साथ शुरू कर सकते हो ठीक है इस उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो लाइक जरूर कर चैनल को, को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेंगे तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तों उम्मीद है तो लाइक कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए और अगर आपने पता कि चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैंक्स्ट वीडियो अपलोड उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद